जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस यूनिट यानी कि पैरा एसएफ को युद्धकालीन परिस्थिति में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, युद्धकालीन परिस्थिति में पैरा स्पेशल फोर्सेस किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। देखिए, जो वॉर टाइम सिचुएशन होता है वो पीस टाइम ऑपरेशन की तरह नहीं होता है। वॉर सिचुएशन एक अलग ही लेवल की चीज होती है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो कभी ना कभी वॉर सिचुएशन से गुजरे हैं जो सोल्जर्स, सिर्फ वही आपको बता सकते हैं कि वॉर एक्चुअली होता क्या है। अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो एक देश अपना पूरा मिलिट्री पावर इस्तेमाल करता है, टैंक्स, ग्रेनेड्स, माइंस, फायरिंग, मशीन गन्स, रॉकेट्स, एयर अटैक्स, सब चल रहा होता है वॉर सिचुएशन में। अब इसी वॉर सिचुएशन पर जो दुश्मन के आंखों में आंखें डाल करके आमने सामने की लड़ाई होती है, जो ग्राउंड पर लड़ी जाती है, वो लड़ता है इन्फेंट्री सोल्जर्स। अब इन्फेंट्री सोल्जर्स की जो प्राइमरी वेपन होता है वो होता है एक राइफल। अब युद्धकालीन परिस्थिति में इसी ग्राउंड लेवल पर स्पेशल फोर्सेस को उतारा जाता है। अब स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री सोल्जर्स पैरा जंप्स, कॉम्बैट, फ्रीफॉल क्वालिफाइड नहीं होते हैं। किसी भी सिचुएशन में एरोप्लेन से वो कूद करके नीचे नहीं आ सकते, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस का ये एक स्पेशलिटी है, किसी भी सिचुएशन में चाहे वो जमीन हो चाहे पानी ही क्यों ना हो, पैरा वाले ऊपर से कूद करके नीचे आ सकते हैं। अब युद्धकालीन परिस्थिति में पैरा स्पेशल फोर्सेस को इसी चीज में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए 16,000 से 17,000 फुट ऊपर किसी तरह का युद्धकालीन परिस्थिति बन गया है। अब इन्फेंट्री सोल्जर्स को उतने ऊपर तक जाना है और जाकर के वहां पर जंग लड़नी है। अब जहां पर जंग हो रहा है वहां पर पहुंचने के लिए इन्फेंट्री सोल्जर्स को 1 से 2 दिन लग जाएंगे। इन्फेंट्री सोल्जर्स को वो दुर्गम पहाड़ी इलाका पैदल चल करके ऊपर जाना है। उनके साथ में वेपन भी होगा, खाना भी होगा, पानी भी होगा, सब लेकर के उनको जाना है और वहां जाकर के वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन पैरा वालों के साथ में ऐसा नहीं है। अगर 17,000 फुट ऊपर पे उनको इमीडिएटली ड्रॉप किया जाए, एरोप्लेन से उस पहाड़ी के ऊपर जाया जाएगा और ऊपर से उनको कुदवा दिया जाएगा और वो पूरी एक्यूरेट तरीके से उस रणभूमि पर उतर सकते हैं। इन्फेंट्री सोल्जर्स पैदल चल करके 12 घंटे से 1 दिन में वहां पहुंचेगा, लेकिन एरोप्लेन से कुदवा कर पैरा स्पेशल फोर्सेस कुछ ही घंटों में वहां पर डिप्लॉय हो सकते हैं। इसीलिए पैरा स्पेशल फोर्सेस को युद्धकालीन परिस्थिति में तुरंत और क्विक फोर्सेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जगह पर उनको उतार दिया जाएगा, वहां पर उतरते ही वो दुश्मन को ठोक बजा करके वो काम निकाल लेते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस वाले हैं वो पैराशूट ऑपरेट करने के कई सारे तरीके भी उनको सिखाए जाते हैं, जैसे हाहो जंप, हालो जंप। अब ये जो हाहो जंप है यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, इसकी भी मदद से दुश्मन टेरिटरी के अंदर पैरा स्पेशल फोर्सेस को घुसा दिया जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग का मतलब ये होता है कि एरोप्लेन से कूदने के बाद वो कमांडो कुछ ही सेकंड में अपना पैराशूट को ओपन कर लेता है और पैराशूट को ग्लाइड करते हुए, पैराशूट को मूव करते हुए वो 50 से 60 किलोमीटर तक किसी भी दिशा पर जा सकते हैं। दुश्मन टेरिटरी से 30 किलोमीटर दूर पैरा स्पेशल फोर्सेस को एरोप्लेन से कूदवा दिया जाएगा। कूद कर ही वो अपना पैराशूट ओपन कर लेंगे और ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टेरिटरी में घुस जाएंगे। इससे होगा ये कि दुश्मन का जो राडार है वो हमारे प्लेन को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुश्मन के जो राडार है उनके एरिया पर हमारा एरोप्लेन कभी गया ही नहीं है। हमारा एरोप्लेन बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर खड़ा था और वहीं से सोल्जर्स को ड्रॉप कर दिया गया है। दुश्मन टेरिटरी में घुस करके उन्हें जो टास्क दिया गया है वो किसी भी तरीके से उसको कंप्लीट करके ही वापस आएंगे। ये स्पेशल फोर्सेस की फितरत है, यही ट्रेनिंग है उनकी। दुश्मन टेरिटरी में घुस करके गोरिल्ला वॉरफेयर की मदद से कमांडोज इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है दुश्मन के दिल में, उनके यूनिट पर, कि पैरा स्पेशल फोर्सेस के नाम सुनकर ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाए, उनके पैर हिलने लगे, कांपने लगे। अब देखिए, स्पेशल फोर्सेस में अलग अलग यूनिट अलग अलग चीजों में ट्रेंड होते हैं। कुछ यूनिट है जो माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जैसे कि 9 पैरासेफ हो गया, 4 पैरासेफ हो गया। उसी तरीके से डेजर्ट वॉरफेयर में 10 पैरासेफ बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो भारत के बॉर्डर एरियाज के किसी भी जगह पर अगर युद्धकालीन परिस्थिति तैयार होता है तो पैरा स्पेशल फोर्सेस हर एक सिचुएशन में, हर एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।